तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री फायर के पुराने वर्जन को अपडेट करके आप फ्री फायर के नए वर्जन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि फ्री फायर का जो OB40 का पुराना वर्जन है वो अभी अपडेट हो जाने के बाद OB41 हो चुका है, तो उसे आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता होगा कि प्ले स्टोर में तो फ्री फायर नहीं है, तो वहां से अपडेट नहीं होता। तो अपडेट करने का एक सिंपल सा तरीका है जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, और ये हर एक फोन में वर्क करने वाला है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और तक देखना होगा। तो अगर आप भी फ्री फायर को अपडेट करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने डाउनलोड करने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा जो पुराना अभी मैंने बनाया था, मतलब एक दूसरा तरीका है इसमें डाउनलोड करने के लिए बताया था, लेकिन इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा फ्री फायर, तो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैं एक और अलग तरीका बताया हूँ डाउनलोड करने का, जिसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फ्री फायर अपडेट कैसे करते हैं ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, फ्री फायर डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फ्री फायर का पुराना वाला वर्जन है, फ्री फायर OB40। अब ये जो है ये फ्री फायर मैक्स है, ठीक है। तो फ्री फायर यहाँ पर आप देख रहे हो ये पुराना वाला है, इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ एकदम सही तरीका है और वर्क करता है, ठीक है। ये अभी अपडेट दिखा रहा है, और अभी टाइम भी आप देख लो, मैं थोड़ा लाइव टाइप का आपको बताऊंगा। 12:35 हुआ है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसे अपडेट करके दिखाता हूँ। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा APK पे, और एप्लीकेशन ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है APK प्योर, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो वेबसाइट है ये ओपन ही नहीं होता। ऐसे भी आप मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, लेकिन कभी कभी ये ओपन ही नहीं होता। तो आपको इस वाले में क्लिक करना है, अगर ये ओपन ना हो तो यहाँ से क्लिक करना है, और ये भी ओपन ना हो तो मतलब बार बार क्लिक करके आपको देखना है उसमें। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए, समझ लो फ्री फायर को आपने डाउनलोड कर लिया, इसी को डाउनलोड करना मुश्किल है। तो अभी यहाँ पर मेरे में तो ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे फास्ट डाउनलोड में क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें नहीं आएगा तो इसमें क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो इसमें। मतलब कि आपको कैसे भी करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर ऐसे में नहीं हो रहा तो फिर इस वाले लिंक पर क्लिक करो, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो, और नीचे में भी बहुत सारे वेबसाइट देख रहे हैं, इन सभी में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो किसी में से भी आप कर लेना, और बेहतर यही होगा कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करें। और अगर ऐसे में भी ओपन नहीं हो रहा, लिंक डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हो, तो VPN कनेक्ट करके ओपन करना, ठीक है। तो अभी आपको बस इसे डाउनलोड करना है कैसे भी करके। तो मैंने तो अभी डाउनलोड कर लिया, और चलो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये अभी मैंने डाउनलोड किया, 2 MB का है अभी, मतलब अपडेट भी होता है अंदर ओपन करने के बाद, और कभी कभी शुरू में ही पूरा डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम इसे ओपन करते हैं। अब जैसे ही ओपन हो जाएगा, फिर आप इसमें प्ले स्टोर की तरह फ्री फायर सर्च करेंगे, एंड उसके बाद फ्री फायर आपको इसमें मिल जाएगा आसानी से। और ये अभी आपको इसको पूरा परमिशन दे रहा है ना, जो जो परमिशन मांगा जा रहा है। ये देखो ये अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है कि आप पहले डाउनलोड करो, उसी में ही पूरा अपडेट हो जाए, अपडेटेड रहे। लेकिन अगर कम MB का रहेगा, मतलब अपडेट करना पड़ता है इधर। तो ये अभी अपडेट हो रहा है, और ये एक प्ले स्टोर की तरह ही है, आप किसी भी ऐप्स को इसमें अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी को आपको ऐसे ही परमिशन देना है। अभी ये फिर अपडेट करने के लिए बोल रहा है, चलो मैं इसे अपडेट नहीं करता, और कुछ प्रॉब्लम आएगा तब मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो और अगर आप अपडेटेड वर्जन कर रहे हैं तब तो कुछ भी अपडेट का प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा, मतलब 13-14 MB का रहता है, उसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देखो अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, मैं भी अपडेट में टैप किया, फ्री फायर लिखा, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पर बस आपको सर्च करना है, कुछ नहीं करना, बस सर्च करना है फ्री फायर। यहाँ पर मैंने फ्री फायर सर्च किया, और ये अपडेट हो रहा है, देख सकते हो ये अपडेट हो रहा है, बस इसे अब अपडेट होने देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 95% हो चुका है, और अब ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अपडेट हो जाने के बाद देखते हैं कि किस टाइप से आपको यहाँ पर स्टेप आगे बढ़ने के लिए बोला जाएगा। तो जो जो परमिशन ये मांग रहा है वो आप देते जाओ, ठीक है। इसका थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है, क्योंकि आप इसको प्ले स्टोर से मतलब कर नहीं रहे हो, तो अलग से करोगे तो थोड़ा परमिशन वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो अभी देखते हैं, और शायद इंस्टॉल हो चुका है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, और एक बार चलो मैं फिर से फ्री फायर लिखता हूँ, डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड हो चुका है, बस इसको इंस्टॉल करना बाकी है। जो हम अपडेट किए थे वो अपडेट हो चुका है, बस इसे इंस्टॉल करना बाकी है। मैं ऐसे इंस्टॉल करता हूँ इसको, अंदर में जो दिखा रहा था वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसको मैं डन करता हूँ, और होम स्क्रीन पे चलते हैं। आप देखो फ्री फायर जो है वो अपडेट हो चुका है। 12:35 से हमने काम चालू किया था, और अभी
तीन चार मिनट में ये हो गया अपडेट। और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो फ्री फायर का जो न्यू वाला वर्जन है वैसा ही पूरा इंटरफेस आपको मिलेगा और वही है, ठीक है, कोई अलग नहीं रहता। फ्री फायर का सिर्फ एक ही वर्ज़न चलता है जो ऑनलाइन चलता है, वो कोई भी आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो, पुराना डाउनलोड करोगे तो भी उसे अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेटेड वर्ज़न है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, इजीली अपडेट कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको अपडेट करके दिखा दिया। अब जैसे कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो पुराना वाला फ्री फायर था उसे ऐसे करके आप इंस्टॉल कर देना, या फिर आपके पास तो होगा नहीं जब डाउनलोड करोगे तो, है ना, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर देना, नहीं होगा तब भी आप ऐसे ही इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको सर्च करना है, यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री फायर FF और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टॉलिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं ऐसे टैप करता हूँ इंस्टॉल में, एंड यहाँ पर अभी शायद मेरे में डाउनलोड पहले से है, मतलब अभी से मैं डाउनलोड किया था तो ये फिर से उसी को इंस्टॉल कर रहा है। तो बस आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब एक बार डाउनलोड हो गया तो, और आप ईज़िली यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो, यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहीं से सब कुछ करने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही फ्री फायर को अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।